मायावती को लगा बड़ा झटका, कांग्रेस को भी लग गया झटका। अखिलेश यादव की हुई बल्ले बल्ले, ओम प्रकाश राजभर भी हुए खुश। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुने हैं आप। यूपी की राजनीति में मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अजय राय की कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, और इस झटके का फायदा सीधे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मिला है। दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कांग्रेस और बसपा से उनके दफ्तर को छीन लिया गया है। विधानसभा में दोनों पार्टियों को लंबे समय से ऑफिस दिया गया था, लेकिन संख्या बल की वजह से दोनों ही बड़ी पार्टियों को झटका लगा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस से यूपी में विधानसभा ऑफिस ले लिया गया, वहीं इसका सीधा फायदा अखिलेश यादव को मिला। उनकी पार्टी के ऑफिस को और भी बड़ा कर दिया गया है, जबकि सुबह सपा और आरएलडी को भी कैबिन आवंटित कर दिए गए हैं। अगर आप संख्या बल पर ध्यान देंगे तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास अधिक 254 विधायक हैं, वहीं सपा के पास 109, अपना दल सोनेलाल के पास 13, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9, निषाद पार्टी के पास 6, सुबह सपा के पास 5, कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता लोकतांत्रिक के पास 2 और बसपा के पास 1 विधायक है। इस आधार पर बसपा के सबसे कम विधायक हैं और कांग्रेस की स्थिति सुबह सपा से भी खराब और राजा भैया की पार्टी जैसी हो गई है। इसी के चलते ये फैसला लिया गया। वैसे अगर नियम की बात करें तो विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157(2) ये कहती है कि ऐसे दल जिनके सदस्य की संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय द्वारा कक्ष, चपरासी और टेलीफोन उन शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं जैसा विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करे। नियमावली कहती है कि 25 से कम सदस्यों वाले दलों को कक्ष आदि की सुविधा अधिकार मिलेगा या नहीं, ये विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे। फिलहाल नियम और संख्या बल के चक्कर में बसपा और कांग्रेस को झटका लग गया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।